Hi guys, welcome back and you're joining me at Concept Simplified, your one stop for all college related information. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महा बीबीए डीएमएस एंड बीसीए सीईटी के बारे में। ये एक नया एग्जाम है जो आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे कोर्सेज के लिए बनाया गया है, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होगा। अब जो भी यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड या मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड, अगर इन कॉलेजेस में आपको बीबीए, बीसीए, बीएमएस या बीबीएम के डिग्रीज करने हैं तो आपको ये सीटी का एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। ये बहुत कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस देगा, जैसे कि एनएम, एचआर या मिठीबाई एंड मेनी अनकाउंटेबल कॉलेजेस। अब जो एग्जाम था उसका रजिस्ट्रेशन डेट्स क्लोज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन 5 मई तक ही था। एग्जाम्स आर देयर ऑन द 29th of May, तो आपके पास बचते हैं 10 दिन। अब इस 10 दिन में हम आपके लिए लाए हैं 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड एक्स्ट्रा बोनसेस जो आपको फॉलो करने ही चाहिए इफ यू वॉन्ट टू एस दिस एग्जाम। सो लेट्स गेट टू इट। So guys, now let's start the tip number one. So tip number one is, first of all, understand the exam syllabus and weightage and paper pattern. अभी आप सभी लोग को पहले तो पेपर पैटर्न समझना चाहिए। जैसे कई सारे बच्चे जिन्होंने सीयूईटी के एग्जाम दिया होगा, तो सीयूईटी का सिलेबस अलग है, पेपर पैटर्न अलग है। महाराष्ट्र बीसीईटी का सिलेबस अलग है, पेपर पैटर्न अलग है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये सीईटी का ऑफिशियल डेटा है। तो सीईटी ने ऑफिशियल रिलीज किया है, इस साल इनके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग में दोनों है, वर्बल भी है, अर्थमेटिक भी है, उसके बाद जनरल जीके, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेसिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इनका अभी आप क्वेश्चन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, जीके के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर बेसिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। ओवरऑल पेपर आपका 100 मार्क्स के लिए रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा। टाइम लिमिट है आपका 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। उसके बाद पेपर विल बी कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेंटर पे जाके आपको देना पड़ेगा। ये हुआ। अभी एग्जाम का पैटर्न समझो। एग्जाम में जब आप बैठोगे पेपर देने को, आप कौन से भी सेक्शन में इंटरचेंज कर सकते हो। 90 मिनट्स में आप कौन से भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले जीके अटेम्प्ट करना है, जीके अटेम्प्ट करो, सबसे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश अटेम्प्ट करो, उसके बाद रीजनिंग करना है तो रीजनिंग करो। सो आप आपस में सब्जेक्ट्स में स्विच कर सकते हो। ये हुआ। सो दैट्स योर टिप नंबर वन, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टिप। सो गाइस, फाइनली नाउ लेट्स बूस्ट अप योर बीसीईटी प्रिपरेशन विद द फाइनेस्ट मॉक टेस्ट, विद द बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, विद द बेस्ट ईबुक कंटेंट। सो गाइस, फाइनली आई हैव अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। सो गाइस, फाइनली अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वी आर ऑन मनोवर एजुकेशन वेबसाइट। वेबसाइट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना, बीबीए एंट्रेंस के सेक्शन में जाना। बीबीए एंट्रेंस में आपको फुल कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। जैसे आप फुल कोर्सेज में जाओगे, वहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा महाराष्ट्र बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीईटी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर आपको 498 वीडियो लेक्चर्स, 95 हैंडआउट्स एंड 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप सब चीज़ें सिलेबस वाइज भी चेक कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट देनी है तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट सेक्शन में जाना। मॉक टेस्ट में यहाँ पे आपको 799 में 10 मॉक टेस्ट है, जो कि आपके प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेगा। अभी लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। मॉक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, आपने जो प्रिपेयर किया आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं। सो मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। एंड गाइस, इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 399 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, सब चीज़ों की आपको ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन गो देयर एंड परचेज इट। That's all about the Manvar education. So guys, if you are looking for an online or an offline classes, please do consider them. They have various resource material, mock tests, video lectures for various different courses with a well-trained and very good experienced faculties. So guys, all the information and the links are provided in the description box. Please go and check it out.
टिप नंबर टू, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें। सो गाइस, सबसे पहले किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट हो रही है, ना ही हमारे पास PYQs है, ना ही हमारे पास क्वेश्चन लेवल है। सो गाइस, इस बार जो है ना CET का फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है, सो पेपर वुड बी इजी या फिर इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर। पेपर आपका CUET जितना टफ नहीं रहेगा, CUET में बहुत कॉम्पिटिशन रहता है आई नो, बट ये CET के एग्जाम में बहुत कम रजिस्ट्रेशन आए। सो आपने Stage 1 कंप्लीट कर दिया है, Stage 1 आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन था, क्योंकि कई सारे बच्चों ने तो रजिस्टर ही नहीं किया, बहुत कम बच्चों ने रजिस्टर किया। सो आपने Stage 1 तक क्लियर कर दिया। अभी आगे ये जो एग्जाम रहेगी उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपका अगर देखोगे तो BCET का सिलेबस और MBA CET का सिलेबस है सच सिमिलर है, सेम नहीं है बट सिमिलर है। सो MBA CET में क्या प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी होता है, क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको टाइम ज़्यादा लगता है। सो आपको इस एग्जाम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। आपके पास 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको अंडर 1 मिनट में आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप पेपर के एंड तक पहुँच पाओगे। सो गाइस, टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करो, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई 1 मिनट के अंदर कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। बाकी इंग्लिश इजी होता है, GK इजी होता है, कंप्यूटर बेसिक्स भी इजी होता है। आप क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ेगा इसका आंसर क्या है। आपको ज़्यादातर टाइम रीजनिंग में लगेगा, रीजनिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या आगे का क्या रहेगा चीज़ें। सो रीजनिंग में आपको टाइम लग सकता है। बाकी जो आपका थियरी बेस्ड है, इंग्लिश इज ऑल्सो ईजी, GK इज ईजी एंड कंप्यूटर बेसिक्स इज ईजी। अगर आपको आता होगा तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, नहीं आता तो फिर वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, तुक्के मारने पड़ेंगे। सो गाइस, ये था आपका टिप नंबर 2 रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर लेवल। नाउ लेट्स मूव टू टिप नंबर 3। भैया लास्ट 10 डेज में कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करें। सो गाइस, सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, GK है एंड कंप्यूटर बेसिक्स है, इनमें से सबसे ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे करना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 10 दिन बाकी है, 10 दिन में 5 दिन आपको रीजनिंग को ही देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। रीजनिंग में आपको सॉल्व करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपको रीजनिंग के लिए। बाकी क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश आपका क्लास 10th तक आपने पूरा अच्छे से किया होगा ना, इंग्लिश का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ के नहीं भी जाओगे ना तो भी आपके आराम से 25 से 30 मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में वही है, सेंटेंस कंप्लीट करो, टेंसेस, वर्ब, वही सब चीज़ें आ रही है जो आपने बेसिक्स 10वीं तक किया था। सो इंग्लिश इज इजी अ पार्ट। नेक्स्ट मूव टू GK। GK में क्या है कि आपने अगर पढ़ा होगा तभी आपको आएगा, GK वो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला है। सो GK क्या करोगे, आप GK के लास्ट 2 to 3 days में आप GK को रिवाइज कर लोगे। एंड कंप्यूटर बेसिक्स इज अ थियरी पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट। सो कंप्यूटर बेसिक्स पे भी आपको लास्ट 3 days में रिवाइज करना है। कहाँ से रिवाइज करें, क्या करें, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको एक रिसोर्स बता दिया है, आप उस रिसोर्स पर जाके आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। वहाँ पे उनकी ईबुक्स है, आप ईबुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप आराम से रिवाइज करो। सो गाइस, ये था आपका टिप नंबर 3 कि फोकस ऑन रीजनिंग पार्ट। वर्बल रीजनिंग एंड अर्थमेटिक रीजनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 30 मार्क्स का सेक्शन है, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन देके जाएंगे आपको। सो गाइस, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश इज इजी, 10वीं तक इंग्लिश पढ़ा था आपने, आप आराम से इंग्लिश में 25-30 मार्क्स लेके आओगे। लास्ट मोमेंट में भी आपने इंग्लिश को थोड़ा रिवाइज कर लिया तो भी आप आराम से आप 30+ तक चले जाओगे इंग्लिश में। बाकी GK का तो आप जितना करो उतना कम है, कंप्यूटर बेसिक्स थियरी पार्ट है, लास्ट 1 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द टिप नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू टिप नंबर 4। सो नाउ लेट्स मूव टू टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा, आपकी जितनी अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी उतना आप आउटपुट जनरेट कर पाओगे, उतना ज़्यादा मार्क्स आप ले पाओगे। सो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले हार्ड सब्जेक्ट ले लिया जिसमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहे तो आप पेपर में डर जाओगे, फिर आप आगे के क्वेश्चन में भी मिस्टेक करने लगोगे, सिली मिस्टेक होने का बहुत चांसेस है। सो मेरी एडवाइस सुनो, सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। सो स्टार्ट विद द इंग्लिश सेक्शन। ऐसा क्यों, आपने 10वीं के बोर्ड्स में भी इंग्लिश सॉल्व किया था, क्लास 12th के बोर्ड्स में भी इंग्लिश सॉल्व किया था, उसी लेवल का इंग्लिश आपको इस पेपर में भी देखने को मिलने वाला है। पेपर का इंग्लिश का लेवल इजी ही रहेगा, वही है आपके सिनोनिम्स फाइंड करो, वर्ब्स, टेंसेस, एकदम बेसिक इंग्लिश आने वाला है। तो स्टार्ट विद द इंग्लिश, पर इंग्लिश का वेटेज भी हाई है, 40 क्वेश्चन है 40 मार्क के लिए, तो सबसे पहले इंग्लिश को सॉल्व करो। उसके बाद मूव ऑन टू रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में वर्बल भी है, अर्थमेटिक भी है। रीजनिंग में आपको टाइम पे फोकस करना है, अंडर 1 मिनट में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होने ही चाहिए। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, आगे के क्वेश्चन में बढ़ जाओ, वहां पे तुक्का मार दो, ऑप्शन बी टिक कर दो या फिर ऑप्शन सी टिक कर दो। तुक्का स्ट्रेटेजी का यूज करना, तुक्का स्ट्रेटेजी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तुक्का स्ट्रेटेजी वहां पे यूज करना, नहीं आता मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अटेम्प्ट योर कंप्यूटर बेसिक्स, जीके को लास्ट में अटेम्प्ट करना। कंप्यूटर बेसिक्स का क्या है, आपने अपने थियरी पढ़ी होगी तो आपको आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, तुक्का मार के आगे बढ़ जाना। लास्ट जीके को अटेम्प्ट करा, जीके लास्ट में क्यों करना है, जीके बहुत बड़ा है, बहुत फास्ट है, आपको जीके में कहीं से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ज्यादातर जीके के क्वेश्चन आपको आंसर नहीं कर पाओगे, सो जीके के क्वेश्चन लास्ट में रखना। अगर लास्ट में टाइम नहीं भी बचा तो जीके में आप तुक्का मार सकते हो, सो जीके को लास्ट के लिए ही रखो। सो दैट्स माई एडवाइस रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। फाइनली टिप नंबर फाइव इज रिगार्डिंग मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। मैंने ऑलरेडी आपको एक रिसोर्स तो बता दिया कि मॉक टेस्ट कहाँ से देनी है, आपका रिवीजन कहाँ से करना है, बट फिर भी मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा आएगा कि आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, और मॉक टेस्ट दोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी आप समझोगे कि आपको सॉल्व हो रहा है नहीं, टाइमली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं, कौन से सेक्शन में आप अटक कर रहे हो, आपका रीजनिंग वीक है या फिर आपका इंग्लिश वीक है या फिर आपका जीके वीक है, ये सब चीज़ आपको मॉक टेस्ट देने के बाद समझेगी। सो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने आपको बेस्ट रिसोर्स तो बता ही दिया है, बाकी आपको अगर वीडियो लेक्चर्स देखने रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, उसका यूज़ करो, आपका इंटरनेट पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। सो उन चीज़ों का यूज़ करो और अच्छे से करो। अभी आप फाइनल टाइम पढ़ने वाले हो, एक बार ऐसा पढ़ो कि आप फाइनली पढ़ने वाले हो, उसके बाद सीधा लास्ट टू डेज के लिए रिवीजन ही रखने वाले हो। सो आप जो भी पढ़ोगे फुल फोकस में रह के पढ़ना, आप फाइनली पढ़ने वाले हो, उसके बाद वापस आप नहीं पढ़ने वाले वो चीज़ें। सो यही था, बाकी लास्ट 10 डेज है, लास्ट 10 डेज में जितनी मेहनत करनी है मेहनत कर लो, उसके बाद कॉलेज में जाके एंजॉयमेंट ही करनी है। सो गाइस यही था मेरे टॉप 5 टिप्स, होप्स आप सभी को ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे, कुछ नॉलेज मिला होगा। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अभी BCET के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, अभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, सारी चीज़ों के ऊपर आपके वीडियोज़ बनने वाले। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी मैंने जो रिसोर्स बताया हुआ है उन सारे रिसोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर जाके विजिट करना रिसोर्स पेज पे। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल, और अभी टॉप कॉलेजेस को हमको क्रैक करना है, मिठीबाई, NIMHR, कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हमको जाना ही है। चलो मेहनत करो उसके लिए फिर।